मैं यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ मिलकर ये देखने आया हूं, शामिल होने आया हूं कि किस ढंग से हर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक रिस्पांस मिल रहा है या जो उसको लोग कितने दिल से इस यात्रा को चाहते हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हैं और खासकर छत्तीसगढ़ के लोग एक होकर कांग्रेस के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और राहुल जी की यात्रा को वो पूरा यशस्वी करके दिखाएंगे। भाइयों, राहुल की यात्रा न्याय के 5 लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक है युवा न्याय, दूसरा किसान न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा श्रमिक न्याय, 5वां भागीदारी न्याय। इसके लिए वो सारे देश में आज पैदल चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बस से जा रहे हैं। कहीं कहीं जो दिक्कत होती है उस दिक्कत को भी झेलते, हालांकि उनका आरोग्य उतना ठीक नहीं है, फिर भी वो लोगों से मिलने के लिए, युवाओं से, किसानों से मिलने के लिए बहुत आतुर है और वो अपनी यात्रा पूरा करना चाहते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में महाराष्ट्र तक पहुंचकर जो संदेश पार्टी ने दिया है उसको वो लेकर आखिरी तक चलने वाले हैं। इसलिए मैं आप तमाम के ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं और उनके लिए मैं आशा करता हूं कि ये यशस्वी होकर सामान्य जनता को इसका फायदा हो। ये कैसा आज मोदी बहुत हर जगह तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं जब हम कर्नाटक में चंद गारंटीज राहुल गांधी जी के कहने पे अनाउंस किए, वहां पर 5 गारंटी के साथ हमारी सरकार आई। दूसरा तेलंगाना में भी फिर राहुल गांधी जी ने कहा यहां पर भी हमको यही करना है, तब वहां पर भी हमने 6 गारंटी देकर वो कामयाब बनाए और तेलंगाना में भी हमारी सरकार आई। लेकिन अब मोदी गारंटी बोल रहे हैं, हमारा देखकर हर जगह गारंटी गारंटी बोल रहे हैं और अब न्यूज़पेपर निकाल के फर्स्ट पेज पे, पहले पन्ने पे अगर देखेंगे तो वो गारंटी लिखते हैं। किसकी गारंटी? मोदी की गारंटी। अरे हम तो कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, देश के लोगों के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मोदी गारंटी, ये मेरा है, मैं काम कर। अरे एक व्यक्ति को इतना अहंकार है तो आप सोचिए, ये लोकतंत्र में विश्वास करता है? नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करता है। और अपने लिए जो व्यक्ति काम करता है वो तानाशाही होता है, वो हिटलर जैसा होता है। ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं होता। और इन्होंने गारंटी दी थी पहले 2-2 करोड़ नौकरियां देने की,
दिया था या नहीं? नहीं दिया था, फिर मिला आपको नहीं मिला? जिनको नहीं मिला हाथ उठा के बोलिए। तो ये मोदी सच है क्या झूठ है आप ही बोलिए। 2 करोड़ नौकरियों की आस बोला, गारंटी बोले, कहां है वो गारंटी? अरे वही गारंटी आप पूरा नहीं किए, अब नए गारंटी बोल रहे हो। अब दूसरा, 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला, ऐसा आदमी फिर बार बार गारंटी बोल रहा है। इसका गारंटी पे भरोसा मत करो, ये लोगों को खत्म करने के लिए और सबको एक दिशा भूल करने के लिए ये काम कर रहा है। तो मोदी ये झूठों के सरदार है, मैं पहले से बोलता हूं। मेरी बात कोई सुनते नहीं थे। मैं जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आया था, मैं बोला ये मोदी के जितने भी वायदे हैं ये सब बोगस है, इसमें कोई तथ्य नहीं, सत्य नहीं, इसीलिए इस पे भरोसा मत करो। हमने कहा, लेकिन फिर भी चंद लोग उन पे भरोसा करे। आज क्या हो गया? वो कुछ नहीं हुआ, फिर लोग आज तकलीफ में है। इसीलिए मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के चाहते लोगों को भी कहूंगा और सभी जनता से भी ये कहूंगा, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर, झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? झूठे वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? अरे हमारी जमीन जंगल वापस करो, बस यही है। तुम आसमान दिखाते हो, चंद्रयान दिखाते, वो लेकर हम क्या करें? उससे पेट भरता है? तो ये मोदी करने वाला है, ये मोदी आपको कहने वाला है, बार बार फिर यह आने वाला है, यही बात करेगा। तो उसको बोलो भाई तुम्हारा आकाश ले आके क्या करेंगे? हमारी जमीन हमको वापस करो, हमारी जंगल हमको वापस करो, बस यही हम चाहते हैं। और कांग्रेस जब हुकूमत में थी, ये तो सेंटर में 72,000 करोड़ हमने दिया, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो थी वो 2 घंटे में 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को माफ कर दी, याद है नहीं? ये भी कांग्रेस के जमाने में हो। और मोदी जी की और एक जादू, पीएम फसल बीमा योजना, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इनको दिया, और वो प्राइवेट कंपनी को कितना मुनाफा हुआ इस 10 साल में? 40,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को हुआ। ये दावे के साथ हम कहते हैं, ये पार्लियामेंट में हमारे प्रश्न को उत्तर दिया गया है। ये मोदी जी गरीबों को देखते नहीं, किसानों को देखते नहीं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं एक बैकवर्ड हूं, मैं गरीब हूं, मैं चाय बेचने वाला। अरे भाई आप चाय तो बेचो, कुछ तो बेचो, लेकिन देश को मत बेचो। गरीबों के संपत्ति को मत बेचो, पब्लिक सेक्टर्स को मत बेचो, यह हमारी संपत्ति है, हमारे खून से बनी हुई ये संपत्ति है। नेहरू जी के जमाने में ये पब्लिक सेक्टर्स हमने लाया, उसको भी हम बेच रहे हैं। एक गारंटी देना चाहता हूं, पहली गारंटी छत्तीसगढ़ से शुरू होगी। राहुल जी ये मुझे कहे हैं कि ये गारंटी लोगों के लिए करना जरूरी है। कौन सी गारंटी?
कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ, हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है हमारी।